वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना है, हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिले कदर सरमाया है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए नौजवानों को माली तौर पर खुद मुख्तारी की राह पर गामजन किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुतल्लिक अमूर का जायजा इजलास, नौजवानों को काबिले कदर हुनरमंद अफरादी कुव्वत बनाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज़ को पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के रोड मैप पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुतालिक जायजा इजलास। इजलास में नौजवानों को काबिले कदर हुनरमंद अफरादी कुव्वत बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। नौजवानों को स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए IT स्किल्स और ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। इंटर्नशिप और IT स्किल्स के लिए नौजवानों के कोर्सेज में दाखिले का प्रोसेस मेरिट बेस्ड होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इजलास में कहा कि हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिले कदर सरमाया है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए नौजवानों को माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन किया जाएगा। आलमी जॉब मार्केट में मुसाबकत के लिए नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत दी जाएगी। इजलास में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, चेयरपर्सन टास्क फोर्स बराए स्किल्स डेवलपमेंट अदनान अफजल चट्ठा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जफर डाल और दीगर हुकाम भी मौजूद थे।